दोस्तों नमस्कार, जय आर सी एम, जय हरी संजीवनी। मैं नरेश शर्मा। आज टमाटर के प्लांट को देखने आया, टमाटर की खेती को देखने आया। यहाँ पे आर सी एम हरी संजीवनी के इस्तेमाल किया है और हमारे साथ स्पेशल मेहमान दमेश्वर जी, जिन्होंने आर सी एम हरी संजीवनी इसमें डाली है, हम इनसे बात करेंगे। दमेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप अपना परिचय देंगे सबसे पहले। मेरा नाम दमेश्वर दत्त, मंडी डिस्ट्रिक्ट के मोईश्री गांव से हूँ और ये जो जगह ये मडोगड़ू में है, महेंद्र नाम के व्यक्ति है, उनके खेत हैं, उनके खेत में टमाटर लगाए गए और वहाँ पर संजीवनी का हमने इस्तेमाल किया है। सर आप बताएंगे इसमें इतना शानदार रिजल्ट आया है तो इसमें आपने आर सी एम हरी संजीवनी के कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए? सबसे पहले तो हमने इसमें सॉइल हेल्थ के साथ गार्डन गोल्ड मिलाया और वो मिट्टी में मिला के इसके साथ मिट्टी के नीचे डाला है, सबसे पहले मिट्टी में जी। फिर उसके बाद हमने जैसे ग्रोथ आती गई, फिर हमने ऊपर इसको एक नंबर दो नंबर की स्प्रे की है आर सी एम हरी संजीवनी की। हाँ, फिर उसके बाद तीन नंबर स्प्रे की सेटिंग के बाद। हाँ जी। और फिर अभी इसके बाद चार नंबर की स्प्रे भी कर दी हमने, जैसे दाने इसमें एडजस्ट होने शुरू हो गए। और उसके बाद अभी तीन दिन पहले हमने इसको फ्रूट स्पेशल की स्प्रे भी की है जी। फूड स्पेशल की स्प्रे किया है तीन दिन पहले, बस यही किया हमने और कुछ नहीं किया है। नीचे दो बार हमने सॉइल हेल्थ और गार्डन गोल्ड दो बार मिला के, यानी कि ये एक पत्ता हमारा टमाटर का था और इसमें हमने दो एक पत्ता सॉइल हेल्थ का और 10 पैकेट हमने गार्डन गोल्ड के मिलाए। गार्डन गोल्ड जी सर। हाँ जी। तो सर आप पहले भी टमाटर बिजाई करते थे होंगे, लोग भी टमाटर लगाते आसपास में, तो ये जो हरी संजीवनी आपने डाली और ये जो हरी संजीवनी वाला टमाटर और दूसरे टमाटर में क्या फर्क लग रहा है और आसपास के लोगों को क्या महसूस हो रहा है, कुछ बदलाव सा लग रहा है खेतों में? इसमें बदलाव ये लग रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी दाने वो मैक्सिमम दानों का साइज जो है लगभग बराबर बढ़ना शुरू हुआ है जी। और जो और जगह खेतों में टमाटर लगे तो वहाँ नीचे नीचे वाले दाने बड़े होते हैं, ऊपर दाने वाले दाने छोटे होते हैं। और इसमें पूरा बटा पूरा हरियाई भी है पौधे के, और कहीं के पौधे जो है खत्म हो चुके हैं और ये जो बिल्कुल पूरे बटा पूरे हरे हैं नीचे की तक। और सर इसमें जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा लग रही है? प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है इसमें, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है इसके अंदर। और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से साइज कमजोर तो नहीं लग रहा है? ना ना, साइज नहीं, साइज में तो काफी बढ़ोतरी है, साइज तो कम ही। दुकानदार बोल रहे थे कि ये तो साइज अगर बड़ा हो गया तो मार्केट में इसका बहुत बड़ी, हाँ वो लगता ज्यादा बड़ा साइज नहीं लगता, पता नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ओवर क्रॉप होने की वजह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दाने। वाह, एक ही गुच्छे में 18 दाने दिख रहे हैं इधर से, इधर से। और ये भी देखो कितना शानदार साइज बन चुका है, ये जॉइंट ना इधर, ये देखिए। और अभी इसका साइज और बढ़ना है क्योंकि अभी ये हरा है। ये देखो कितने 18 दाने हैं, 18 दाने एक ही गुच्छे में, ये देखिए गुच्छों का साइज, ये देखिए साइज। और अभी इसका साइज और बढ़ना है क्योंकि अभी कलर इसमें पूरा नहीं आया है, अभी तोड़ने लायक ये नहीं हुआ है, और जो बीच बीच में तोड़ने लायक हो रहा है उसको तो निकाल रहे हैं साथ साथ, बहुत शानदार। ये देखिए पूरे खेत में शानदार रिजल्ट, बहुत ही शानदार। ये देखिए यहाँ से अंदर जाते हैं, ये गुच्छा देखिए आगे आगे चले जाओ, अब कलर आना इसमें शुरू हो रहा है। ये देखिए हल्का हल्का सा इसमें कलर आ रहा है, वाह बहुत शानदार। यहाँ पे देखिए, जहाँ कहीं भी देखेंगे, जहाँ भी आपको पौधा दिखेगा पूरा भरा हुआ, पूरा लदा हुआ टमाटर से, बहुत शानदार। वाह, रियल में यहाँ के मेरे को खुद पूछे तो बहुत मजा आ रहा है। हरी संजीवनी पे काफी काम करते हैं लेकिन जब इस तरह का रिजल्ट देखते हैं तो सच में मजा आता है। और ये टमाटर का साइज देखिए, ये टमाटर का साइज देखिए भाई साहब ने निकाला, ये देखिए छोटा साइज है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। लगी है
बहुत शानदार रिजल्ट। ये देखिए गुच्छे के गुच्छे भरे पड़े हैं, पूरे पूरे पौधे, पूरे पूरे पेड़ लदे पड़े हैं। ये देखिए ये हरी संजीवनी का रिजल्ट है। ये एक गुच्छे में देखिए कितने टमाटर है, ये गिनती से परे, ये पूरा टोकरा भर जाएगा यहाँ पे, तो पूरा टोकरा ही है। बहुत शानदार, ये देखिए खेत, वाह।